Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the different functions of culture. आज के इस वीडियो में हम कल्चर के डिफरेंट फंक्शंस को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. तो चलो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फंक्शंस ऑफ कल्चर. तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कल्चर के, उन सब को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. तो आते हैं फर्स्ट हेडिंग की एक्सप्लेनेशन की तरफ. कल्चर इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज. कल्चर प्रोवाइड्स नॉलेज विच इज एसेंशियल फॉर द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ मैन. कल्चर हैज मेड द एडप्टेशन ऑफ मैन टू इट्स एनवायरमेंट पॉसिबल बिकॉज इट प्रिजर्व्स नॉलेज एंड हेल्प्स इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू लैंग्वेज. एग्जाम्पल वर्क्स ऑफ अल-फ़ारबी, इब्न सीना. दोस्तों जिस तरह से एक इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह से ही एक इंसान की फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस के लिए एक कल्चर का होना ज़रूरी है. और कल्चर जो है ये डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. हर कल्चर के डिफरेंट रूल्स, नॉर्म्स, लॉज होते हैं. कुछ चीज़ें बास कल्चर में अच्छी समझी जाती हैं, कुछ चीज़ें बुरी समझी जाती हैं. हो सकता है कि हमारे कल्चर में एक चीज़ बुरी समझी जाती है, आपके कल्चर में वो अच्छी समझी जाती हो. तो कहते हैं कि एक इंसान की फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस के लिए कल्चरल नॉलेज का होना ज़रूरी है. और यही एसेंशियल नॉलेज एक कल्चर अपने फॉलोअर्स को प्रोवाइड करता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिज़िकल एग्जिस्टेंस के लिए कल्चरल नॉलेज क्यों ज़रूरी है. तो हर कल्चर में इंसान की फिज़िकल एग्जिस्टेंस के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स रखे गए हैं कि आपने किसी भी बेगुनाह इंसान को कत्ल नहीं करना, आपने किसी का हक नहीं छीनना, आपने चोरी नहीं करनी. इसी तरह से हर कल्चर कुछ चीज़ों से मना करता है और कुछ चीज़ों की इजाज़त दे देता है. अगर आप किसी का हक खाएंगे, किसी को बेगुनाह कत्ल करेंगे, किसी से चोरी करेंगे, तो आपको उसका हमियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है. इसी तरह से कल्चरल नॉलेज जो है वो एक इंसान की इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिज़िकल एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है. जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है और हर कल्चर के कुछ नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज़ होते हैं. तो जब भी कोई बच्चा एक कल्चर में पैदा होता है तो उसको इब्तदाई स्टेजेस में ही उनको अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, रिलीजन इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर, बट इन सारी चीज़ों के बारे में वालिदैन उनको नॉलेज दे देते हैं, उनको आगाह कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे मुआशरे में अच्छा समझा जाता है और ये बुरा समझा जाता है. इस काम करने पर आपको हमारे कल्चर में पेनल्टी मिल सकती है. तो ये क्या है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग है कि एक बच्चे को दी जाती हैं. तो जो भी बच्चा बड़ा होता जाता है उसको अपनी कल्चर के बारे में नॉलेज आती रहती है. इसी तरह से हर सोसाइटी के, हर कल्चर के लोग अपने बच्चों को मेंटली तौर पर तैयार करते हैं. आप अगर अपने मुआशरे के जो रूल्स, नॉर्म्स हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आपकी फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है. आगे कहते हैं, कल्चर हैज़ मेड द एडप्टेशन ऑफ मैन टू इट्स एनवायरमेंट पॉसिबल बिकॉज इट्स प्रिजर्व्स नॉलेज एंड हेल्प्स इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू लैंग्वेज. दोस्तों ये वही बातें हैं जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन की. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. तो वर्क्स ऑफ अल-फ़ारबी और इब्न सीना में आप लोगों को कल्चर के मुतालिक बहुत कुछ मिल जाएगा कि किस तरह से कल्चर एक इंसान की रहनुमाई करता है, एक कल्चर में उसको एडजस्ट होने में हेल्प देता है. अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ. कल्चर डिफाइंस एटीट्यूड्स, वैल्यू सिस्टम एंड बिहेवियर पैटर्न. इट इज़ द कल्चर विच कंडीशंस और एटीट्यूड्स टुवर्ड वेरियस इश्यूज सच इज रिलीजन, मोरालिटी, मैरिज, साइंस एंड सो ऑन. और मोरल वैल्यूज एंड बिहेवियरल पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय और कल्चर वैल्यूज. कहते हैं कि ये कल्चर ही है जो हमारे एटीट्यूड्स को कंडीशन करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है टूवर्ड्स डिफरेंट इश्यूज. इट मीन्स दैट के मुख्तलिफ मामलात और मामूलात में हमारे जो एटीट्यूड्स हैं उसको डायरेक्ट करता है, जैसा कि रिलीजन, मोरालिटी,
मैरिज साइंस एंड सो ऑन। दोस्तों मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हर सोसाइटी का अपना एक रिलीजन होता है। दुनिया में हज़ारों सोसाइटीज हैं, हज़ारों रिलीजन्स हैं। हर कोई कहता है कि हमारा रिलीजन ठीक है, हम जन्नत जाएंगे। कोई भी ये नहीं कहता कि हम गलत है, ठीक है। जो बच्चा जिस कल्चर में ग्रोन अप होता है तो वो उसी कल्चर का ही रिलीजन अडॉप्ट करता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब एक बच्चा बड़ा होकर ख़ुद मुख्तार बन जाता है और ख़ुद मुख्तार बनने के बाद वो डिफरेंट रिलीजन्स की स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद उसको किसी रिलीजन में हकीकत सच्चाई नज़र आती है तो वो उस रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है। बहुत से लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आ रहे हैं, डिफरेंट लोग अपने मज़ाहिब चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो हमको डिफरेंट मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि हर कल्चर के अपने मॉरल वैल्यूज होते हैं। जैसा कि हमारे सोसाइटी में शराब पीना सख्त मना है, इसी तरह से आप दूसरे कल्चर में जाएं तो वहाँ पे ये अलाउड है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है कि हमारे सोसाइटी में पैंट शर्ट पहनना ये सख्त मतलब बुरा समझा जाता है। हमारी जो मोरालिटी है, हमारे नॉर्म्स रूल्स वैल्यूज़ हैं, उसमें ये चीज़ बुरी तस्वर की जाती है। आप पंजाब चले जाएं तो ये वो लोग इसका कोई लिहाज नहीं करते, ठीक है। तो हर कल्चर में मोरालिटी का अलग अलग मायार है और उसकी जो फॉलोअर्स हैं उस कल्चर के मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है मैरिज। आप लोग देखें कि मुसलमानों का जो मैरिज सिस्टम है वो अलग है, हिंदुओं का मैरिज सिस्टम अलग है, अंग्रेज़ों का, यहूदियों का अलग अलग मैरिज सिस्टम है, ठीक है। तो ये कौन हमें गाइड करता है? कल्चर ही हमें गाइड करता है ना कि आपने जो मैरिज की सेरेमनी है वो इस तरह से अदा करनी है, ठीक है। इसी तरह से जो फ्यूनरल है, जो जनाजे होते हैं, जब फौतगी हो जाती है तो हिंदू जो है अपने मुर्दों को जला लेते हैं और हम अपने जो मुर्दे हैं उनको दफना देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ है साइंस। तो साइंस के लिहाज से हर सोसाइटी डिफरेंट है। आप पाकिस्तानी सोसाइटी देखें, यहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गरीब लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, बाहर ममालिकों में अपने लिए जो है बंगले ख़रीद रहे हैं, अपने लिए जो है प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं, यहाँ से हमारे जर्नेल पैसे लेकर वहाँ पर जजीरे ख़रीद रहे हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें, वो लोग चांद पर पहुँच गए, ठीक है। वहाँ पे आप लोग टेक्नोलॉजी देखें, वहाँ पे आप लोग ज़राअत देखें। आप बांग्लादेश चले जाएं, उन लोगों का जो ज़राअत सिस्टम है वो देखें, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो देखें, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ और भी बहुत से मामूलात में जो कल्चर है वो हमको गाइड करता है। हर सोसाइटी का कल्चर उसके फॉलोअर्स को गाइड करता है डेली लाइफ के डिफरेंट इश्यूज़ में। तो ये आगे जो लिखा है, और मॉरल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय और कल्चरल वैल्यूज़, तो ये वही बातें हैं जो अभी मैंने डिस्कस की। एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मेंशन किया है ड्रिंकिंग अल्कोहल इन पाकिस्तान। तो इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे दी, आप लोग उनको भी लिखें। दोस्तों आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो बराए मेहरबानी आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल्चर प्रोवाइड्स पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी। कल्चर एक्सरसाइजेज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नो चाइल्ड कैन गेट ह्यूमन क्वालिटीज इन द एब्सेंस ऑफ अ कल्चरल एनवायरमेंट। Culture prepares men for group life and provides him the design of living. Culture influences how people see themselves and others in terms of ideas like gender, age and ethnicity. दोस्तों इंसान की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कहते हैं कि कल्चरल एनवायरमेंट के बगैर एक इंसान में ह्यूमन क्वालिटीज आ ही नहीं सकती। जिस तरह से एरिस्टोटल कहता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, अगर आप एक बच्चे को जंगल में छोड़ें तो वो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा बल्कि जानवरों की तरह वो बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि एक इंसान को इंसान बनाने में एनवायरनमेंट का, कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आगे कहते हैं कल्चर प्रिपेयर्स मैन फॉर ग्रुप लाइफ एंड प्रोवाइड्स हिम द डिज़ाइन ऑफ लिविंग।
यहाँ पे कहते हैं कि कल्चर जो है वो एक इंसान को मुआशरे में रहने का काबिल बना देता है। कल्चर ही इंसान को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि आपने लोगों के साथ कैसे डील करनी है। आगे कहते हैं, कल्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल सी देमसेल्व्स एंड अदर्स इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ लाइक जेंडर, एज एंड एथनिसिटी। कहते हैं कि कल्चर एक आईना है जिसमें लोग या एक इंडिविजुअल अपने आप को देखता है। अपने आप को कोई कैसे देखता है कल्चर में? जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि कल्चर में डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, लॉज होते हैं। अगर एक बंदा एक कल्चर का कोई लॉ फॉलो करता है तो इट मींस दैट कि वो बंदा उस कल्चर के लिहाज से अच्छा बंदा है। इसके साथ साथ आगे कहते हैं, इन द टर्म्स ऑफ आइडियाज़ लाइक जेंडर, एज एंड एथनिसिटी, तो आप लोग देखें कि हमारे कल्चर ने फीमेल को कितना हक दिया है, मेल को कितना हक दिया है, जो एजड लोग होते हैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे यहाँ जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। इसके बरक्स आप लोग वेस्टर्न जो अंग्रेज़ों की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप चले जाएँ तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके जो बूढ़े होते हैं उनको ओल्ड हाउसेज़ में डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमें कौन गाइड करता है? कल्चर ही गाइड करता है ना। हमारे बड़ों ने जो काम किए हैं वो हम भी करेंगे। इसी के साथ साथ आगे एथनिसिटी की बात की गई है। एथनिसिटी मीन सोशल क्लास, तो इसी तरह से कल्चर भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हुए होते हैं। ठीक है, बास फैमिलीज़ को डिफरेंट कल्चर्स में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, या तो वो फैमिली स्कॉलर्स की फैमिली होती है, या वो रिलीजियस फैमिली होती है, या पॉलिटिकल। ठीक है, मतलब जो मालदार किस्म के होते हैं उनको डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट नज़रों से देखा जाता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, एग्जांपल जेंडर सोशलाइजेशन एंड फैमिली इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर। जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि एक कल्चर में मर्द को, औरत को, बच्ची को, बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं फैमिली के लोग, कल्चर के लोग। तो अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, कल्चर रेगुलेट्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। All cultures develop ways of differentiating between social groups on the basis of things like social class, economic division, social rank, political division, gender and age, etc. and etc. तो जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि हर सोसाइटी, हर कल्चर क्लासेस में डिवाइड हुई होती हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि बाज़ रिलीजियस फैमिलीज़ होती हैं, बाज़ पॉलिटिकल फैमिलीज़ होती हैं, बाज़ लोग जो हैं वो स्कॉलर्स होते हैं। और इसके साथ साथ जेंडर के लिहाज से हर सोसाइटी में मेल का अपना मुकाम है, फीमेल का अपना मुकाम है। ठीक है, एज के लिहाज से छोटों के साथ एक तर्ज का रवैया इख्तियार किया जाता है, जो यंग लोग होते हैं उनके साथ दूसरे किस्म का, और जो ओल्ड लोग होते हैं उनके साथ अलग रवैया यूज़ किया जाता है। हर सोसाइटी के जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो फीमेल है, जो मेल है, उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन किए हैं, कास्ट, बिरादरी सिस्टम इन पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह। तो ये पॉइंट तो मैं ऑलरेडी जो पहले पॉइंट्स हैं उनमें डिस्कस कर चुका हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, कल्चर रेगुलेट सोशल नॉर्म्स, अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। एवरी सोसाइटी हैज़ एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ इट्स मेंबर्स शुड एंड शुड नॉट बिहेव विच आर रेगुलेटेड बाय कल्चर, एग्जाम्पल रूल ऑफ ईटिंग, ग्रीटिंग, वेयरिंग। कहते हैं कि हर सोसाइटी की कल्चर का उनके फॉलोअर से, उनके मेंबर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एक्सपेक्टेशन मीन तवक्कुआत। कल्चर में हमारे लिए डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना हमारे लिए एसेंशियल है। हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो जवान लोग हैं हम अपने कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आप लोग आएँ, रूल ऑफ ईटिंग। दोस्तों आप लोग देखें कि हर रिलीजन के लोग अलग तरीके से खाना खाते हैं। मुसलमान जो है वो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे का जूठा पीते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदुओं को देखें वो एक दूसरे का जूठा नहीं पीते या नहीं खाते। ठीक है, तो वो अकेले सब मतलब एक एक प्लेट से खाते हैं। इसके अलावा जो क्रिश्चियन लोग हैं वो टेबल पर खाना रख कर खाते हैं, और
मतलब डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के लोगों के खाने का अंदाज अलग होता है। इसके साथ साथ ग्रीटिंग करने का हर रिलीजन में, हर कल्चर में अपना अंदाज होता है। फॉर एग्जांपल मुसलमान जो है एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो वो सलाम करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, गले मिल लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स हिंदू जो लोग हैं वो मतलब जब किसी बुज़ुर्ग से मिल लेते हैं तो उनके पांव चू लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्रणाम, भाई लागो, इस तरह के अल्फाज कहते हैं। क्रिश्चियन जो लोग हैं वो अलग वर्डिंग कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से कहते हैं। आगे वेयरिंग की बात करते हैं तो हम शलवार कमीज पहनते हैं, अंग्रेज़ लोग जो है वो पेंट शर्ट पहन लेते हैं, अरेबिक लोग जो है उनका जो लंबा ड्रेस है वो पहन लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को फंक्शंस ऑफ कल्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।